हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पैडेड ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ 34 साइज़ का ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊँगी। तो 34 साइज़ का ब्लाउज बनाना है तो इसलिए मैंने यहाँ पर 34 साइज़ का कफ लिया है। तो अब जिस साइज़ का अपना ब्लाउज बनाएंगे आपको उसी साइज़ का अपना कफ लेना है, यानी कि अपना पैड लेना है। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने से पहले आपको मैं बता दूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पार्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने अस्तर ले लिया है। अस्तर मैंने 1 मीटर लिया है। तो कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है, ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से मैं नीचे से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। लाइन ड्रॉ आपको ज़रूर करना है क्योंकि कपड़े में हमें कभी कभी छोटा बड़ा रहता है। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने से नीचे से बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब गाइस, यहाँ पे आप स्क्रीन पर जो मेज़रमेंट देख पा रहे हैं उसी मेज़रमेंट के ऊपर मैं यहाँ पर मार्क करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लेंथ लेना है। तो इसका जो लेंथ मैं टोटल रखूँगी वो है 14 इंच, यानी कि 14 इंच हमें तैयार रखना है और हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है। तो नॉर्मल ब्लाउज़ के टाइम पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन जब भी आप पैडेड ब्लाउज़ बनाएंगे उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना होता है। ठीक है, तो 14 इंच तैयार रखना है। तो हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 15.5 इंच। ठीक है, तो 15.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्क लगा लेंगे। तो ये हमारा लेंथ हो गया। तो इसके बाद यहाँ से भी हम मार्क लगा लेंगे 15.5 इंच पे और इस लाइन को सीधा कर लेना है। अब हम इसी लाइन के ऊपर से शोल्डर की मार्क लगाएंगे। तो शोल्डर का टोटल है 14 इंच, उसका अगर हम हाफ करेंगे तो आएगा 7 इंच। ठीक है, तो 7 इंच पे हमें यहाँ पे मार्क लगाना है। सो गाइस, जो भी शोल्डर का टोटल होगा उसका हमें हाफ करना है और उसमें हमें मार्क लगाना है। तो मेरा 7 इंच आया है और एक्स्ट्रा हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो कि सिलाई मार्जिन में जाएगा। अब यहाँ से हम आर्मोल के लिए मार्क लगाएंगे। तो आर्मोल यहाँ पे मेरा 7 इंच है तो मैंने 7 इंच पे मार्क लगाया है और ऊपर से इस तरीके से लाइन को सीधा कर लेना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हमें देखना है कि ऊपर का जो शोल्डर सा था 7 इंच, वो हमारा यहाँ से भी 7 इंच आ रहा है कि नहीं। जहाँ पे भी आएगा वो हम मार्क लगा के इस लाइन को सीधा करना है, क्योंकि कभी कभी 7 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। फिर हम यहाँ पर सीधा कर लेंगे और इसके बाद हम आर्मोल की गुलाई करेंगे, वो 1/2 इंच पे करेंगे क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट के लिए 1/2 इंच पे मार्क लगा के मैंने इस तरीके से गुलाई कर दिया है। अब हम चेस्ट के लिए यहाँ से एक मार्क लगाएंगे जो कि 7 इंच है, जो हमारा यहाँ पे था 7 इंच था। तो यहाँ पे भी हम 7 इंच पे मार्क लगा लेंगे। ठीक है, और इस लाइन को आपको इस लाइन पर मिलाना है। ये जगह को चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इस लाइन को ना भी मिला सकते हैं। आप लोग अच्छे से समझ सके इसलिए मैंने इस लाइन को ड्रॉ किया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने चेस्ट की तरफ। तो चेस्ट का टोटल जो भी होगा उसके हमें चौथा भाग निकालना है, यानी कि हमारा यहाँ पे चेस्ट है 40 इंच, उसको हमें 4 से डिवाइडेड कर देना है। तो मेरा आया है 10 इंच। 10 इंच पे मार्क लगाने के बाद अब हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हम पैडेड नॉर्मल ब्लाउज़ में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन पैडेड ब्लाउज़ के लिए आप 2 इंच तक एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि जब भी हम अपना पैड लगाते हैं तो कपड़े में थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है, उसमें कम पड़ जाता है। तो अब हम यहाँ पे कमर का टोटल लेना है। तो कमर का टोटल था 34 इंच, उसका चौथा भाग 8.5 इंच, फिर हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब टक्स पॉइंट लगाने के लिए हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आप चाहे तो टक्स पॉइंट के लिए 1/2 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो अब हमें ये जो हमने एक्स्ट्रा लिया है इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। देखिए, तो मार्क लगाने का प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इसी मार्क के बराबर अब हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। सो गाइस, हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। तो गाइस, आपको मैं एक बात बता दूँ कि कभी कभी हम पैडेड ब्लाउज़ में डबल अस्तर लगाते हैं। तो डबल अस्तर क्यों लगाते हैं और कैसे वो हम लगाएं, उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है। सो वीडियो मैंने ऊपर आई बटन में दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर मैं डबल अस्तर नहीं लगाऊँगी। तो ये जो हमारा मैन फैब्रिक है इसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, मैंने गलती से सीधे साइड में फोल्ड कर लिया है। तो ये गलती आप कभी मत करना, सीधे साइड में आप अपने ब्लाउज को कटिंग ना करें, क्योंकि इसमें हम कभी कभी मार्क लगाते हैं, वो चौक के मार्क नहीं उठता है। तो यहाँ पे आप ज़रूर कपड़े को उल्टे साइड में फोल्ड कीजिए। देखिए इस तरीके से उल्टे साइड में आप इसको डबल फोल्ड में रखिए और फिर अस्तर को आप इसके ऊपर रख के कटिंग कीजिए। देखिए, मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। इसके बाद इसके ऊपर मैं अस्तर को रख लूँगी इस तरीके से।
जो हमारा जॉइंट साइड है वो मेरी तरफ है, तो इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा रख के कटिंग कर लूँगी। ये मैंने कटिंग कर लिया है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को मैं साइड में रखूँगी क्योंकि मैं सिर्फ फ्रंट पार्ट की कटिंग आपको दिखाया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो नेक मैं यहाँ पे बोट नेक बनाऊँगी, तो उसके कटिंग हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो बोट नेक के लिए ऊपर से आपको 4 इंच पे मार्क लगाना है, देखिए। सो यहाँ से हम 4 इंच पे मार्क लगा लेंगे, देखिए। और यहाँ से इसका लेंथ रखना है 5.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच रख रही हूँ। आप चाहे तो 6 इंच पे रख सकते हैं या फिर इससे कम भी रख सकते हैं। तो यहाँ से भी आप 4 इंच पे एक मार्क लगाना है, देखिए। ऊपर का 4 इंच था तो नीचे भी हम 4 इंच पे मार्क लगा लेंगे, देखिए यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे बॉक्स बना लेना है 4 इंच का, देखिए। और ये जो बॉक्स बनाया है मैंने, इसी बॉक्स के अंदर अपना जो बोट नेक का जो शेप होता है वो हम दे देंगे। देखिए दोनों स्टाइल में बोट नेक होता है, एक नीचे का है और एक ऊपर का है। आप चाहे तो किसी भी शेप को यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं ऊपर का ही रखूँगी, उसको कट कर लिया है मैंने यहाँ पे। अब मैं इसको खोल के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बोट नेक का शेप बिल्कुल आ गया है, छोटा सा मैंने इसका शेप रखा है। और ये जो मैन फैब्रिक है इसको सीधा में रखना है क्योंकि मैं इसको बिना पेपर पेस्टिंग के बनाऊंगी, तो इसको बिल्कुल सीधा रखना है और इसके ऊपर अस्तर को रखना है, सीधे साइड में अस्तर को रखना है, ठीक है। जब भी आप पेपर पेस्टिंग के बिना करेंगे तो आपको बिल्कुल इस तरीके से करना है। सो गाइस यहाँ से आपको 1/2 इंच पे मार्क लगा के मैं दिखा रही हूँ, ऐसे ही सिलाई इसके ऊपर लगाना है, इस मार्क के ऊपर। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ते हुए ये सिलाई लगा लेंगे, देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है। अब मिडिल में जो भी कपड़ा होगा उसको कटिंग करके इस तरीके से निकाल लेना है और यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाना है, जिससे कि ये जो बोट नेक का शेप है ये बहुत ही आसानी से पलट जाएगा, आपका जो अस्तर होगा और बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन बनेगा। अब हमें अस्तर को एक तरफ इस तरीके से करना है और एक सिलाई हमें अस्तर के ऊपर से लगाना है, देखिए इस तरीके से। और सिलाई लगाने के बाद इस अस्तर को आप बैक साइड में कर दीजिए, यानी कि मैन फैब्रिक के पीछे। और ये देखिए बोट नेक बिल्कुल बन गया है, बहुत ही अच्छे से ये बन गया है, देखिए। अब हमें इसके ऊपर फिनिशिंग का सिलाई लगा लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे एक बार आयरन से प्रेस भी लगा सकते हैं। सो बिल्कुल कॉर्नर से ये सिलाई लगाना है, देखिए। मैंने अलग कलर का थ्रेड इसके ऊपर यूज़ किया है। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन के लिए कपड़ा लिया है, जो कि मैंने चौकोन में इसको कटिंग किया है। इसका लेंथ मैंने 2 इंच रखा है, 2 इंच का इस तरीके से कटिंग करना है आपको बहुत सारे कपड़े को। फिर आप इसको इस तरीके से ट्रायंगल्स में फोल्ड करना है, देखिए। इस तरीके से 2 बार फोल्ड करने के बाद नीचे से आप दोनों तरफ से फोल्ड कर दीजिए, देखिए इस तरीके से अच्छे से आप देख लीजिए। अब हमें नीचे से इसको सिलाई लगा लेना है, ये देखिए यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, ये देखिए ट्रायंगल शेप में आपको 2 बार फोल्ड करना है, फिर आपको नीचे से इस तरीके से फोल्ड कर देना है। और जो सिलाई आपको लगाना है तो नीचे से आपको बिल्कुल लगाना है, देखिए नीचे से आपको पकड़ना है, फिर आपको यहाँ से सिलाई लगा लेना है। तो इसी तरीके से आपको जितना भी कपड़ा आप कटिंग करेंगे सब में इसको बना लेना है, देखिए। तो मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब हमें इसको कट करके अलग अलग कर लेना है और नीचे से अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा तो आप कटिंग कर लेना है फिनिशिंग से, ये देखिए। तो इसी तरीके से हमें सारे को बना लेना है। तो मैंने बना लिया है, अब हम इसके ऊपर लगा लेंगे, देखिए। बिल्कुल इस तरीके से आपको लगाना है, ऊपर से आपको 1/2 इंच छोड़ देना है शोल्डर ज्वाइन करने के लिए। और बिल्कुल इस तरीके से लगाना है, तो दोनों का अंदर जो गैप होगा वो बिल्कुल भी नहीं रखना है, कुछ भी गैप बिल्कुल आपको एक के बाद एक बिल्कुल पास में ही लगाना है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से आपको इसके अंदर इसी तरीके से लगाते जाना है, पूरे ही नेक पर आपको लगा लेना है इस तरीके से, देखिए। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे बना लिया है, ये देखिए। अब हम यहाँ पे तिरछी पट्टी कटिंग किया है, जो मैंने 1.5 इंच में रखा है इस पट्टी को। और इस पट्टी को हमें उल्टे तरफ से लगाना है, ये देखिए उल्टे तरफ से मैं इसको 1/2 इंच छोड़ते हुए सिलाई लगा रही हूँ, ठीक है। तो ये मैंने लगा लिया है। फिर हम इसको यहाँ से छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि पट्टी बहुत ही फिनिशिंग से अटैच हो। कट लगाने के बाद सीधे साइड में हमें पट्टी को फोल्ड कर देना है, देखिए। यहाँ से हम कट लगा लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को, अब हम सीधे साइड में इसको फोल्ड करके लगा लेंगे। तो ये जो पट्टी है ये हम तिरछे में कटिंग किया है, और जो हमारा मैन ब्लाउज़ का जो मैन फैब्रिक है तो उसी से हमने इस पट्टी को कटिंग किया है, उसके लिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
तो अब हम यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसको कटिंग कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे पैड लगाने के लिए यहाँ पे प्लेट्स लगाएंगे। तो प्लेट्स आपको मैन फैब्रिक और अस्तर दोनों में अलग अलग लगाना होगा। तो देखिए मैंने मैन फैब्रिक को ऊपर की तरफ रखा है और इसको डबल फोल्ड करके रखना है इस तरीके से। देखिए अब यहाँ पे हम मार्क लगाएंगे। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। देखिए 3.5 इंच पे नीचे से हमें मार्क लगाना है। फिर हम यहाँ पे अपना 5 इंच पे ऊपर की तरफ मार्क लगाएंगे। देखिए 5 इंच पे। तो ये 34 साइज़ का आप इस तरीके से अपना टक्स पॉइंट का मार्क अप लगा सकते हैं। फिर हम यहाँ से भी 3.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। फिर इस लाइन को ऊपर से सीधा कर लीजिए। देखिए इस तरीके से। फिर आप यहाँ से पकड़ते हुए छोटे से कट लगाना है, जिससे कि इसका जो पीछे का पार्ट होगा वहाँ से भी हम इस मार्क को सीधा कर सकें। फिर हम पीछे की साइड से भी 5 इंच पे मार्क लगा लेंगे। दोनों तरफ एक साथ में हो जाएगा। ये देखिए इस लाइन को सीधा कर लेना है। तो टक्स पॉइंट का मार्क हमने लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। जब भी हम पैडेड ब्लाउज बनाते हैं उसमें मैन फैब्रिक और अस्तर दोनों में अलग अलग का प्लेट्स का सिलाई लगाना होता है। देखिए इस तरीके से पकड़ते हुए तिरछी में हम इस सिलाई को लगाएंगे। ये देखिए और दोनों तरफ बिल्कुल सेम तरीके से करना है। देखिए मैंने अस्तर में कर लिया है। अब बिल्कुल सेम तरीके से अपना जो मैन फैब्रिक है इसमें भी लगा लेना है। देखिए अस्तर का पीछे का साइड ऐसा होगा और अंदर का साइड में ये सिलाई दिखेगा। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लगाना होगा। और इसके बाद बिल्कुल सेम तरीके से अपना जो मैन फैब्रिक है उसमें भी हमें मार्क लगा लेना है। यहाँ से हम 3.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। फिर हम ऊपर से भी 3.5 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे। फिर हम यहाँ पे 5 इंच पे मार्क लगाएंगे। ये मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। और फिर नीचे से पकड़ते हुए हमें छोटे से कट लगाना है ताकि हम पीछे से भी अपना एक मार्क पा सकें। तो इस तरीके से दोनों तरफ भी हमें मार्क लगाते हुए इसमें सिलाई लगा लेना है, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे मैंने अस्तर के ऊपर किया था। सो गाइस देखिए मैंने यहाँ पे टक्स पॉइंट का सिलाई लगा लिया है। ये देखिए जिससे कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। देखिए दोनों में आपको अलग अलग प्लेट्स लगाना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ पे अपना कफ लगाएंगे, यानी कि अपना पैड लगा लेंगे। देखिए ऊपर के कपड़े को हमें ऊपर रखना है और यहाँ पे हम अपना कफ को लगा लेंगे। देखिए कफ को हमें इस तरीके से उल्टे तरफ फोल्ड करना है और डबल फोल्ड में रखना है। फिर हम ऊपर में इस तरीके से एक मार्क लगाएंगे जिससे कि हम अपना इसका सेंटर पॉइंट पा सकें। तो इस तरीके से दोनों ही कफ में हमें करना है डबल फोल्ड करके। इस तरीके से आपको डबल फोल्ड में रखना है और ऊपर की तरफ मार्क लगाना है। ये मार्क बहुत ही ज़रूरी होता है इसको सिलाई लगाने के लिए। देखिए इस तरीके से अंदर में भी आपको मार्क लगा लेना है। अब हम इसको मशीन से ही अटैच करेंगे। दोस्तों अटैच अगर आप मशीन से नहीं कर सकते तो आप हाथ सुई से पहले आप इसे अटैच कर लीजिए कपड़े के ऊपर, फिर आप उसको मशीन में अटैच कीजिए। जो आपको सही लगे आप वो कीजिए। मैं यहाँ पे मशीन से ही अटैच करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए टक्स पॉइंट के बिल्कुल ऊपर आपको इसको रखना है और यहाँ पर आप टाँका लगा के इसको अच्छे से अटैच कर दीजिए। देखिए सिर्फ आपको मिडिल में इसका सिलाई लगाना है, इससे ज़्यादा कहीं पर भी सिलाई नहीं लगाना है। अब हमें इसको इस तरीके से इसका सीधा साइड में इसको फोल्ड कर देना है। देखिए ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। अब आपको अगर लगता है थोड़ा सा खिंचाव आ रहा है तो आप यहाँ पे जो टक्स पॉइंट है यहाँ पे आप छोटे छोटे कट लगा सकते हैं। फिर आप इसको फोल्ड करेंगे तो बहुत ही अच्छे फिनिशिंग से ये तैयार हो जाएगा। अब हमारा जो दूसरा कफ है उसको भी बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर लगा लेना है। जो हमने मार्क लगाया था इसके सेंटर में उसी मार्क को ध्यान में रखते हुए उसी मार्क के ऊपर हमें ये सिलाई लगा लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। देखिए इस तरीके से। तो फिर से हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो गाइस आप बिल्कुल इसी सेंटर में पैड के ऊपर स्टिचिंग कीजिए, इससे ज़्यादा आप राउंड स्टिच मत लगाइए इसके ऊपर। कभी भी आपको पहनने के टाइम पे प्रॉब्लम हो तो आप इसको ठीक कर सकते हैं अगर आप ऐसे सिलाई लगाएंगे तो। तो देखिए ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसके ऊपर साइड का सिलाई लगा लेना है फिनिशिंग से। देखिए साइड का सिलाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इसको अच्छे से लगाना, जो हमारा पैडेड ब्लाउज होता है उसमें। तो ऐसे ही हम अपना साइड सिलाई लगा लेंगे। तो आप चाहे तो अपना जो कफ होता है उसको आप उल्टे साइड में फोल्ड करके लगा सकते हैं। देखिए बिल्कुल इस तरीके से एक को मैंने उल्टे साइड में फोल्ड किया है। तो देखिए मैं आपको
फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से अगर आप अपना साइड का सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है और नीचे से कमर पट्टी लगा के इसको बिल्कुल तैयार कर लेना है। देखिए तो मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। सो गाइस, पैटर्न ब्लाउज को लेकर अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।